नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी आधिकारिक कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश आयुष मिशन के अंतर्गत योगा वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु योग प्रशिक्षक उमेश चंद्र एवं सहायक विनोद यादव की चयन प्रक्रिया में हुई अनियमितता के संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिस क्रम में 4 योग प्रशिक्षक एवं मात्र 1 योग सहायक के आवेदन पत्र को स्वीकार व शेष आवेदन को निरस्त करते हुए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय के द्वारा साक्षात्कार के संबंध में सूचना दी गई, इन लोगों का कहना है कि इस चयन प्रक्रिया में अनियमितता की एक सक्षम कमेटी द्वारा जाँच कराई जाए, दोषियों को चिन्हित किया जाए व पुनः साक्षात्कार के समय योग विशेषज्ञ प्रोफेसर की उपस्थिति में वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए, जिससे भारत सरकार की मंशा के अनुसार भ्रष्टाचार मुक्ति योग अभ्यर्थी की नियुक्ति हो, जिससे जनहित का लाभ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवाल। क्या नाम है आपको? मेरा नाम विनोद यदुवंशी है। क्या मामला है कि आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए? आजमगढ़ में योगा वेलनेस सेंटर में नियुक्ति हो रही है जो पूरी तरह से फर्जी हो रहा है। साक्षात्कार में किसी भी योग विशेषज्ञ को नहीं बुलाया जा रहा है, न उसका कोई एक निर्धारित पैनल है, न वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और अभ्यर्थी जब शिकायत कर रहे हैं इसकी सुनवाई भी नहीं की जा रही है। और योग सहायक के लिए सिर्फ एक अभ्यर्थी ने आया और उसी को चयन कर लिया, जो कि नियम से 3 अभ्यर्थी पहुंचना चाहिए साक्षात्कार में, और ना तो उस साक्षात्कार का वीडियो रिकॉर्डिंग है, ना कोई ऐसा आधार है जिससे हम वो प्रमाणित कर सकें कि जिस अभ्यर्थी का चयन किए हैं वो सही है। उसके मूल प्रमाण पत्रों को मांगा जा रहा है, वो भी दिखाया नहीं जा रहा है। आज हम DM साहब को एप्लीकेशन दे रहे हैं, कमिश्नर साहब को, और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के नाम से RTI पेपर भी दिया जा रहा है, क्योंकि उनको आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग कर रहे हैं जिसका वो चयन किए हैं उसकी निष्पक्षता से एक कमेटी बनाकर जांच की जाए और दोषी पाने पर उचित कार्रवाई की जाए, और जो साक्षात्कार करवाएगा उसको निरस्त करके जिन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करके उनको साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया उनको बुलाया जाए पुनः।